मेरे भी एक्सपीरियंसेस ऐसे ही हैं जिस तरीके से बाकी क्लाइंट्स के थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये के साथ चौथा प्रोजेक्ट है और हर प्रोजेक्ट में मैंने कोई ना कोई शेयर इनसे अर्ली बर्ड के तौर पे लिया और परसेंटेज तो आज देखिए वैसे पिज़्ज़ा कैलकुलेट करते हैं तो बड़ी अच्छी मतलब दिखाई गई है कि 33% एक साल में जो ग्रोथ है वो आजकल के दौर में कोई नहीं देता। तो रिलायबिलिटी का फैक्टर सबसे बड़ा होता है जहाँ भी इन्वेस्टमेंट किए जाए एसेट लिया जाए। तो आजकल यही लगता है कि बस ये दिखाने वाले लोग हैं और बनाना कुछ नहीं है और बड़ी बड़ी कंपनीज इससे आजकल डूबी हैं और कंस्ट्रक्शन का बता के बस 3 साल के अंदर हो जाएगा प्रोजेक्ट और वो 7-8 साल 10 साल के बाद भी आप देखते थे कुछ ना कुछ मिल जाए तो भला हो जाएगा। तो प्रॉफिट तो दूर की बात है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट भी निकालनी मुश्किल हो जाती है। तो इस दौर के अंदर इनके साथ काम करके बड़ी तसल्ली हुई कि एक तो जो इन्वेस्टमेंट दी जा रही है वो आगे से नज़र आ रहा है कि प्रोजेक्ट के अंदर लग रही है, कुछ और ही काम नहीं कर रहे। और बाकी कंपनीज जैसे मार्केटिंग वगैरह की कैंपेन्स तो बहुत ज़्यादा चलाती हैं लेकिन जो एक्चुअल काम है कंस्ट्रक्शन का उसके अंदर उनकी ग्रोथ कोई खास नज़र नहीं आ रही होती। तो इसके बरक्स मैंने IBS में देखा है कि तमाम जो ये जो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं उसको एसेटलाइज किया जाता है, उसको ग्रोथ में लेके आया जाता है। यही वजह है कि तीसरे प्रोजेक्ट में भी मैं इनके साथ इन्वॉल्व हुआ और इधर भी अर्ली बर्ड बल्कि वेरी अर्ली बर्ड के अंदर शामिल हुए। तो आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि इधर सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं और इनके साथ एक रिलायबल बिजनेस चलेगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमाए और हमें भी इनके साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।